नमस्कार, मेरा नाम अरविंद रघुवंशी, मैं एक्सी डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। तो हम आज यहाँ किसान भाइयों से पूछने आए हैं कि वो खरीफ में क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर सिंह धाकड़ है और मैं ग्राम नेगवा का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में, नर्सरी तैयार और कौन सी बीज से उपचार और कौन कौन से रोग की रोकथाम के लिए, ये सब आपके लिए आज मैंने कहा। बीज उपचार करते समय यदि अपने पास मास्क ग्लव्स ना हो तो पॉलीथिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि ये दवा जो है जहरीली फफूंदनाशक है, इसे किसी प्रकार का नाक मुंह में जाने से नुकसान होता है। मैं अगर मास्क ग्लव्स ना हो तो पॉलीथिन और टावल की सहायता से अपन बीज उपचार कर सकते हैं। और ये 20-10 ग्राम दवा है कारमेल जिम के नाम से, इससे हम टमाटर का बीज उपचार करेंगे। पन्नी को अच्छी तरह मोड़ के अब इसको अपन नर्सरी तैयार करते हैं इसकी, ठीक है। चलिए, तो अरविंद भैया जी, अपन को लाइन जरूरी खींचना है। अच्छा, क्योंकि ऊपर तो जानवर भी खा जाते हैं। हाँ, थोड़े अंदर पड़ जाए। अब लाइन में मतलब दाने पे दाने ना गिरें, ऐसी कतार सी बनी चली जाए, बस आपको खुद को बीज डालना है। इससे क्या होता है कि पेड़े भी है ना अच्छे होते हैं, घरे नहीं हो पाते ज़्यादा। अब फिर इसको दोनों साइड से ढक दो। फिर साइड से एक लाइन होने का, ये खासियत है भाई साहब, तो भी अच्छी तरह उपचार होना चाहिए और कतार भाई कतार बोना चाहिए। इसे अब छांटने में तो कहो कि जानवर भी खा जाते हैं ऊपर, और जैसा हमें झींगा जाना आ रहा है।